जिस बात का डर था वही हुआ। इसराइल पर आतंकी हमला करने के बाद हमास ने भारत पर भी हमला बोल दिया, लेकिन हमास को पता नहीं था कि भारत का बदला तुरंत इसराइल ही ले लेगा। अब आप इसे सहयोग कहिए या प्रयोग, लेकिन हमास ने जैसे ही भारत पर वैचारिक आतंकी हमला किया तो इसराइल ने भयंकर हमला करके गाजा को दो हिस्सों में काट दिया। अब आप इसकी क्रोनोलॉजी देखिए। हमास के नंबर दो नेता खालिद मशाल ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की और कश्मीर को फिलिस्तीन बता दिया। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान और हमास के बीच ये मुलाकात हाल ही में भारत से दुश्मनी मोलने वाले कतर में हुई है। पाकिस्तान के कहने पर हमास ने कश्मीर कश्मीर चिल्लाना शुरू कर दिया। जिस कश्मीर में G20 बैठक हुई उसकी तुलना बर्बाद हो चुके फिलिस्तीन से कर दी, लेकिन कर्मों का फल तुरंत मिल गया। टाइमिंग देखिए कि कश्मीर पर हमास का बयान आते ही इजरायली सेना ने गाजा पर पहली बार ऐसा हमला किया जिसने गाजा शहर को ही दो हिस्सों में काट दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक अब गाजा नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा में बंट चुका है। नॉर्थ के इलाके में इजरायली सेना पूरी तरह से घुस चुकी है और जमीनी हमले तेज कर चुकी है। इजरायली सेना गाजा के लोगों को पर्चे बांट रही है कि अब साउथ गाजा में मिस्र बॉर्डर पर चले जाओ तो जान बच जाएगी। यानी इसराइल ने गाजा के लोगों को कहा है कि चुपचाप साउथ गाजा पहुंच जाओ और उसके बाद राफा बॉर्डर के जरिए इजिप्ट पहुंच जाओ। गाजा में रहोगे तो मारे जाओगे। अब आप ही बताइए कि पाकिस्तान के कहने पर हमास ने कश्मीर पर बयान दिया, लेकिन इसराइल ने हमास से गाजा को छीन उसे दो टुकड़ों में बांट दिया। हमास को शायद पता नहीं था कि कश्मीर भारत की जन्नत है और इसी जन्नत के रास्ते कुछ देश और संगठन पहले ही जहन्नुम पहुंच चुके हैं।